चॉइस आपकी है। कोई आपको उस समय देखने नहीं आएगा, कोई देखने नहीं आएगा, ना कंपनी, ना मैनेजमेंट, ना आपके अपलाइन, ना आपकी डाउनलाइन, ना आपकी क्रॉस लाइन। आप क्या जिम्मेदारी अपने निभा रहे हैं, क्या आप सही रास्ते का चुनाव कर रहे हैं? और जो मैं चीज कहना चाह रहा हूं आप अच्छे समझ रहे हैं, ये सुनो, तो उस रास्ते का चुनाव आप नहीं कर रहे। देखिए, हो सकता है शॉर्ट टर्म आपको ये वाला रास्ता ज्यादा फायदा दे सकता है जो नीचे वाला है। अरे यार अभी तो निकालो माल, बेचो, बाद में देखेंगे, है ना। कई बार ये जो सोच है आपके दिल और दिमाग पर छाने की कोशिश करेगी, मगर आपको इसको अपने ऊपर हावी, शॉर्ट टर्म कभी मत सोचिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपका चंद रुपयों का, चंद पैसों का नुकसान हो जाए, हो जाने दीजिए, वो लॉन्ग टर्म नुकसान से आपको बचा सकता है। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। जितना आप लंबे समय के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशन के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म बिजनेस के बारे में सोचेंगे, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट गेन करने के बारे में सोचेंगे, आपका फायदा सुनिश्चित होता रहेगा। आप हमारे जितने भी टॉप लीडर्स हैं, आज भी आपने शर्मा जी को सुना, आप बहुत बार फील्ड में भी बहुत सारे टॉप लीडर्स आते हैं, मिलते होंगे, क्यों आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं, क्यों लोग फॉलो करते हैं, क्यों लोग फॉलो करते हैं, क्या कारण होगा, आपको क्या लगता है? कुछ लीडर हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, कुछ लीडर हैं जिनको शायद लोग उतना फॉलो। तो एक ऐसा लीडर जिसको सब लोग चाहते हैं, सब लोग पूछते हैं, और एक ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति जिसको शायद उतना तवज्जो नहीं देना चाहते, क्या अंतर होगा? उनके पास ये दो रस्ते आते हैं, वो कौन सा चुनते होंगे? हर बार बार बार, हर बार बार बार, तो आपको कौन सा चुनना है? आप ये मत सोचिए कि आज मैं एम्बेसडर हूं, आज मैं रूबी हूं, आज मैं चेयरमैन हूं, आज मैं तो सुपरस्टार ही हूं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उदाहरण ले रहा हूं, आपका लेवल इससे कोई सरोकार नहीं रखता। राइट और रॉन्ग डिसीजन एक सुपरस्टार भी ले सकता है, और राइट और रॉन्ग डिसीजन एक कंपनी का टॉप मोस्ट लेवल का लीडर भी ले सकता है। आप जो रास्ता चुन रहे हैं वो आगे आने वाले समय में आपकी पॉपुलैरिटी को डिसाइड करने वाला है। तो आप आज का छोटा सा लाभ देखना चाहते हैं या भविष्य का बड़ा लाभ देखना चाहते हैं? तो कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन को एंटाइस ना करें, कभी भी किसी को मिसगाइड ना करें, कभी भी आप किसी को गलत चीजों के बारे में ना बोलें, कभी भी किसी को कंफ्यूज ना करें। हो सकता है आपको लगेगा, अरे ये बंदा तो बहुत तेज काम करने वाला है, ये मेरी टीम में आया, मन में आज ये चल रहा है आपके अंदर में कहते हैं, अरे कहाँ फंसे वो चक्कर में से, वो आपके प्लाइन 300 किलोमीटर दूर रहते हैं, कहाँ आएंगे आपके पास, छोड़ो आप रिजाइन करो, आप एक काम करो परचेसिंग बिलिंग नहीं करूंगा, आप साल भर तक मान लेते रहो, साल भर आपकी राइडिंग रेट हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है, अगले 6 महीने भी कुछ नहीं करना है, मैं दे दूंगा माल और जो होगा वो आपस में देख लेंगे, समझ रहे कर दिया आपने। क्या ये एथिक्स है, क्या ये वैल्यूज के साथ है काम? देखिए, आप किसी और से चालाकी कर सकते हैं, किसी और को गुमराह कर सकते हैं, किसी और को अंधेरे में रख सकते हैं, मगर अपने आप को गुमराह नहीं कर सकते। वैल्यूज और एथिक्स किसी और को दिखाने के नहीं होती, वैल्यूज और एथिक्स तब फॉलो करनी होती हैं जब कोई आपको देख ना रहा हो, है ना। अगर यहां सामान रखा है, कैमरे ना लगे, आपको दिख रहा है मोबाइल तो बड़ा अच्छा है, पार कर देता हूं, कैमरा तो लगा नहीं, पता चलेगा नहीं किसी को, उदाहरण ले रहा हूं, बड़ा रूड एग्जाम्पल ले रहा हूं, क्रूड एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मैंने पार कर दिया, किसको पता चलेगा, किसको पता चलेगा? खुद को, एक आदमी को पता है जिसको आप शीशे के सामने जाके चेक कर सकते हैं। कभी ना कभी आपके मन में ये क्या बोलते हैं कचोट होगी, यार काम तो मैंने गड़बड़ कर दिया, वो बंदा कितना परेशान हो रहा था मेरे सामने, उसके कितने इंपॉर्टेंट नंबर्स उसके अंदर थे, वो सारे उसके मिस आउट हो गए, ये हो गया वो हो गया, और ऊपर वाले से झूठ कभी बोल ही नहीं सकते। तो दो जने, एक ऊपर वाला और एक आपको, तो वैल्यूज और एथिक्स इसी प्रकार से। तब हमें नहीं करना है कि अच्छा कैमरा लगा है, वो नहीं, 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 नहीं।
तब हमें इसकी चीजों को फॉलो करना है जब कोई चीज हमें वॉच ना कर रही, समझ पा रहे हो? तो राइट और रॉन्ग डिसीजन आपने लेना है, इट्स योर बिजनेस, सो डू इट पैशनेटली। पैशन का मतलब क्या होगा? जुनून, जोश। डायरेक्ट सेलिंग में अक्सर ये कहा जाता है कि यहां कामयाब वही लोग होते हैं जो पागलपन की हद तक काम करते हैं। मैं कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग ही नहीं, दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए पागलपन जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में आप हो, अगर आपको सफल होना है तो उस क्षेत्र में सफल होने के लिए उस क्षेत्र की जो भी काम है उसके प्रति आपका पागलपन दिखना चाहिए। दिखना चाहिए, होना नहीं चाहिए, दिखना चाहिए। लोग कहें कि भाई साहब तो पागल हो गया बिजनेस को लेकर के, भाई साहब ये एमएलए पागल हो चुके हैं, दिन रात लोगों को इस तरीके से सर्व करते हैं, अरे बाप रे बाप, इतना काम तो मैं कर ही नहीं सकता। ये होना चाहिए। सोचिए अगर आप सबके प्रति, आप सबके प्रति 100% जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, सबके प्रति सबका, सारे लोगों का फीडबैक ऐसा हो जाए, बिजनेस कहां पहुंच जाएगा? कोई किसी की तोड़फोड़ नहीं होगी, कोई क्रॉस लाइनिंग नहीं होगी, कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं होगी, और सबके लिए एक ऐसा हेल्दी एटमॉस्फेयर बना देंगे कि सब लोग ग्रो कर देंगे। फ्रेंड्स, जितने भी हमारे लीडर्स यहां बैठे हैं, आप उनसे पूछेंगे, सीपी नेवर लीडर्स, और जितने भी आप एम्बेसडर नेवर लीडर्स हैं, आप जानते ही हैं कि जब फंड्स, बिजनेस प्लान की कल आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी, जब फंड्स की बात आती है तो फंड्स में आपके ही काम की हिस्सेदारी का पैसा नहीं मिलता, बल्कि पूरी कंपनी में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उसकी हिस्सेदारी भी आपके जेब में जाती है। इसका मतलब अगर हम सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करने लग जाएं, एक दूसरे के साथ खड़े हों, एक दूसरे को सही गाइडेंस दें, एक दूसरे के साथ हमेशा सही काम करें, तो आप दूसरे से ज्यादा अपना बिजनेस खुद बढ़ा पाए। यस और नो? आपकी वैल्यू तो आप अलग क्रिएट ही कर रहे हैं, बट अपना बिजनेस भी खड़ा कर रहे हैं, अपनी इनकम भी बड़ी कर रहे हैं। हाँ या ना? समझ पा रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि पैशन दिखाइए, पागलपन होना चाहिए आपको अपनी सर्विसेज को लेकर के, प्रोडक्ट कैपेबिलिटी को लेकर के। जो भी कस्टमर आ रहा है, जो भी प्रोस्पेक्ट आ रहा है, जो भी डाउनलाइन आ रही है, आपकी टीम की आ रही है, आपकी क्रॉसलाइन की टीम की आ रही है, क्रॉसलाइन तक आपके बारे में ऐसी खबरें पहुंचनी चाहिए लोग कहें कि भैया भेजना है तो इसी एमए के ऊपर भेजना, हर एक तो मुझे बिंदास अपनी टीम को मैं भेज सकता हूं, मुझे पूरा यकीन है कि यहां पे बैठा कोई भी व्यक्ति मेरी टीम को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि अगर कुछ कम भी हो रही होगी तो उसको सपोर्ट करके बढ़ाएगा। क्या वैसी इमेज सब लोग मिलकर क्रिएट नहीं कर सकते? हेलो, क्रिएट कर सकते हैं? यही पैशन। पैशन ये नहीं होना चाहिए कि हम गलत दावों में लिप्त हो जाएं और टीमों को तोड़ने लगे, मिसगाइड कर लें। ऑलरेडी हम इसकी बात कर चुके हैं अपनी बातचीत में, तो ईमानदार अपने प्रति रहना है, किसी को दिखाना नहीं है, ना अपलाइन को, ना कंपनी को, ना डाउनलाइन को, प्रोसेस हमें सारे फॉलो करने हैं। मुझे नहीं दिखाना, विजय महेंद्र जी को नहीं दिखाना कि भैया एसओपी हम फॉलो कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए, है ना? ये सारी चीजें हमने अपने अपने पूरी अपनी टीम में इम्बाइब कर देनी है। इस तरीके से अपनी टीम को तैयार करना है, इस तरीके से अपने जो भी स्टाफ हैं या हम खुद बैठ रहे हैं अपने आप को तैयार करना है कि कभी भी हमारे यहां ऑडिट अगर हो जाए तो कहे भाई साहब यहां तो ऑडिट करने की जरूरत ही नहीं, कुछ नहीं मिलना, सब ठीक रहेगा, सब सेट रहेगा। लिसन, मेरे प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में एक और एग्जाम्पल देता हूं। अक्सर होता है, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको, अक्सर होता है जो भी इंप्लॉयज होते हैं वो बिल जमा करते हैं, कंपनी को उनसे रिइंबर्समेंट लेते हैं, तो फाइनेंस टीम में कई बार जब बिल जाते थे तो कुछ लोगों की पूरी स्क्रूटनी होती थी कि बच्चे करो किसने खुद तो गड़बड़ किया होगा, और पैसी पाई जाती है तो कंपनी से निकाल भी दिए जाते हैं लोग, है ना? और कुछ लोगों के बिल फाइनेंस टीम का डायरेक्टर ही बोलता था कि बिल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या उसने जीता? ऐसा क्या किया उसने? इनका बिल चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या किया होगा उसने? ऐसा मतलब उसने बार बार लगातार जो भी एसओपी है उसको फॉलो किया है, सिस्टम से कभी भी डेविएशन नहीं किया है,
और इस कदर उसने ट्रस्ट डेवलप कर लिया है कि उसके बिल में हर व्यक्ति को यकीन है कि कोई भी गलती नहीं होगी। अगर हम भी इसी प्रकार अपनी बार 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 लगातार जो भी प्रोसेस है उसको शानदार तरीके से उसका प्रदर्शन करते रहें, कंपनी की इमेज क्या बनेगी, आपकी आपकी कंपनी के प्रति इमेज क्या बनेगी, कैसे लोग आपको देखेंगे। सर का एमएके पर जाने की जरूरत नहीं, ये टेबल थ्रू है, इसमें कुछ गड़बड़ हो ही नहीं, मैं लिख के देता हूँ, स्टैंड पेपर लिख के देता हूँ। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये इमेज बन गई है तो उसको कहीं से हम धूमिल करें, क्योंकि ट्रस्ट बनने में समय लगता है, ईमानदारी जताते जताते एक समय ऐसा आता है कि वो इस कदर ट्रस्ट बदल जाता है कि लोग आपके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं। क्या हम सब ऐसा नहीं कर सकते? देखिए सब चीज आपके हाथ में, अगर वो एक बंजर जमीन को एक आज दुनिया का सबसे मशहूर शहर तब्दील करने में एक व्यक्ति अपनी सोच को धरातल पर पटल पर ला सकता है, तो क्या हम ये छोटा सा काम नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? हेलो, नहीं कर सकते? इतनी कम आवाज में तो नहीं कर सकते। सुर लताल सबका बिगड़ा हुआ है, मान साहब अक्सर बोलते हैं सबका सुर लताल गड़बड़ हो जाता है, क्या हम कर सकते हैं? तो इस पे ध्यान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब सहानुभूति। सहानुभूति मतलब क्या? कई बार आपके पास लोग आएंगे बड़े ही गुस्से में, बड़े ही एजिटेशन में, बड़े ही तमतमाते हुए, लाल एकदम, है ना, हो सकता है वो किसी प्रॉब्लम प्रोडक्ट से हो गई हो, किसी आपकी सर्विस से हो गई हो, किसी फॉल्ट हो सकता है, कुछ कंपनी की तरफ से हो गया हो, कुछ भी हो सकता है, मगर आप कंपनी से जुदा नहीं है, आप और हम कंपनी है। मान लीजिए घड़ी का उदाहरण लेता हूं, घड़ी पहुंची नहीं, पैड अभी पहुंचा नहीं, तो तब तमाते हुए लोग आ रहे हैं, अरे क्या कर दिया है संदीप जी, माल ही नहीं मिल रहा है, ऐसा है वैसा है ये है वो है फलाना है ढमाका है, हर बार आपका ऐसे होता है, कोई ना कोई नाटक हो जाता है, कोई ना कोई कहानी आप बता देते हो, समझा के भेज देते हो हमें, तो होता ऐसा नहीं होता है, हम में से कुछ लोग ऐसे आते हैं, मगर आप यहां पर हमसे ये कर सकते हैं, मगर फील्ड में आपको ये जवाब देना है, है ना। तो हमें मैनेजमेंट से कंपनी से बिल्कुल सवाल पूछने चाहिए, जवाब लेने चाहिए, क्योंकि वही जवाब तो आगे आप लोगों को बता पाएंगे। मगर कभी भी कस्टमर या प्रोस्पेक्ट या डाउनलाइन के सामने हमें रिएक्ट नहीं करना, ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट यूज किया वो रिएक्शन था, कोई भी अच्छा रिएक्शन क्रिएट करता है, उसने कुछ बोला तो आप बोले हाँ सर क्या करूं मैं तो बोल बोल के थक गया हूं, मैनेजमेंट को कोई नहीं सुनता है, ना सेल्स वाले सुनते हैं, ना वो संदीप जी सुनते हैं, ना वो सुनते हैं, ना क्लाइंट सुनती है, ना मैनेजमेंट सुनती, कोई नहीं सुनता है। अब आप क्या हो गए, वो आया था कंधा धुलने की कोई रोने के लिए दे दे, आपने कहा हाँ पहले ले ले, मैं भी रोता हूं, तू मेरे कंधे पर सर रख करो, मैं तेरे सर कंधे पर सर रख कर रोता हूं, या सुनो। तो वहां पर इम्पैक्ट दिखानी, सर बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, पहले आप बैठिए थोड़ा पानी पीजिए, रिलैक्स होइए, क्या भी छाएगा बैठाइए, उनसे सब सुनिए,